हाल चाल सबके, आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीशियल गेमर नीलू में। दोस्तों आज हम बात करने वाले पबजी मोबाइल के एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही शानदार ट्रिक निकल के आया है सामने, जिसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो नहीं देखा और ना ही किसी को ग्लिच इस ट्रिक के बारे में कहीं बात करते हुए देखा है, जो कि शेल्टर के ही अंदर है। शेल्टर के ऊपर और भी कई सारी ट्रिक मैंने देखी है जो लोगों ने बनाई है, बहुत से बंदों ने बनाई है, तो लेकिन ये वो ट्रिक नहीं है मेरे भाई लोग, वो ट्रिक नहीं है, ये कुछ अलग ट्रिक है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इसकी सहायता से आप लोग एक परमानेंट डोर को ओपन कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें देखिए वो सेम ट्रिक है बट वहाँ पे कुछ जगह में वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। इस ट्रिक के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इस ट्रिक के ऊपर नहीं, ये ट्रिक है बट ये दरवाज़ा अलग है। एक दरवाज़ा है वो परमानेंट बंद रहता है, उसके आर पार मैं जा पाऊँगा, और वो भी देखिए ग्रेनेड की सहायता से, वो भी नया तरीका से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है मेरे को, आई है। आप लोग देख लेना कहाँ प्रॉब्लम आई है, अगर वीडियो आप लोग स्किप करते हो तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी, फिर आप नीचे बोलोगे कि मेरा नहीं हो रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई लोग। तो यार वीडियो को पूरा जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं, यार एक बंदा है, पहले मैं इसे मार लेता हूँ, तो इसे मैंने मार दिया। तो अब चलता हूँ वहीं पर जहाँ पर हमारा वो ट्रिक वर्क कर रहा है, तो चलता हूँ यार वहीं पर, वहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने उस गेट के ऊपर। तो यार देखिए आज की ट्रिक हमारी जो वर्क करी है वो इस दरवाज़ा के ऊपर करी है, जो आप सामने देख पा रहे हो। चलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे लूट है तो थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ, उसके बाद तुरंत चलता हूँ। तो वीडियो में कहीं भी देरी मत करी नहीं होगी यार, तो टेंशन बिल्कुल भी ना ले। देखिए मैंने ग्रेनेड 5 उठा ली है, बट ये ट्रिक यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, इस दरवाजे को पहले फोड़ने की कोशिश करूँगा। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले इसे गोली मारता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यही वो दरवाज़ा है जो कि कहीं से भी खुलता नहीं है मेरे भाई। आप लोग देख सकते हो कहीं से भी नहीं खुलता है, ना ही टूटता है। मैं इस पर बम मार के भी दिखाता हूँ, अभी कुछ नहीं होता है क्योंकि आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट तो कभी किया नहीं होगा, मुझे पता है यार, क्योंकि ये दरवाजा देख के ही लोग हट जाते हैं। देखिए मैं बम फोड़ के दिखाता हूँ, यहाँ पे बम फूटेगा तब तो। एक बम मैं फेंक लेता हूँ, पहले देखता हूँ यहाँ पे ये ग्रेनेड फूटता है तो दरवाजा टूटता है कि नहीं। तो यार दरवाजा को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमें बहुत कुछ हो सकता था अगर हम आगे रहते तो। तो चलिए अब अपना ट्रिक वर्क करते हैं। देखिए हाई टॉस पे है ग्रेनेड, तो इसे मैं एक और फोड़ ही लेता हूँ। रुकिए, नहीं फोड़ूंगा। देखिए यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लूँगा थंबनेल के लिए। तो देखिए अब हमें एक लो टॉस पे कर देना है, ठीक है, हाई टॉस पे है, वहाँ पे लो टॉस पे करते हुए पीछे स्लाइड करते हुए। देखिए यहाँ पे मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ, इसलिए आप लोग देखना, क्योंकि यहाँ पे मिस हो जाता है बहुत बार। देखिए मैं यहाँ पे मिस कर गया, और सिर्फ मिस ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पे मेरा वो ट्रिक काम ही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेरा वो ट्रिक काम नहीं किया। मैं फिर से आपको एक बार करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे अपना 3 ग्रेनेड और बचा हुआ है। देखिए ट्रिक करता हूँ, देखिए सेम जगह पे किया बट ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इस गेट से हमें निकलना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए एक और ट्राई, लास्ट ट्राई कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं अगर हो गया तो हो गया। देखिए ये ट्रिक यहाँ पे हमारा काम नहीं कर रहा है, बट अभी मैं आपको ले कर चलता हूँ शूटिंग रेंज। शूटिंग रेंज में भी इस तरह का कुछ जगह है मेरे भाई, जहाँ पे ट्रिक वर्क कर रही है, लेकिन मैं वहां पे भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं वो दिखा देता हूं आप लोग को वो कहां दिक्कत आती है। तो चलते हैं अपने शूटिंग रेंज के ऊपर हम लोग। तो मेरे भाई लोग देखिए हम लोग आ चुके हैं अभी शूटिंग रेंज के अंदर, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पे मैं शूटिंग रेंज के भी अंदर हूँ, तो यहाँ पे भी ये दरवाज़ा है, तो यहीं पे मैं ट्रिक फिर से वर्क करा रहा हूँ। देखिए ये हमारे मेरे पास अभी 3 ग्रेनेड है, तो इसे भी मैं हाथ पे ले लेता हूँ, हाथ पे लेके इसे लो टॉस करते हुए पीछे जाते हुए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक बार देख लीजिए मैं करता हूँ, तो ये मैंने हाथ पे ले लिया और पीछे जाते हुए हल्के से ये छोड़ दिया। देखिए यहाँ ये ट्रिक स्मूथली वर्क कर रही है, और यार देखिए इसमें आप लोग फ़ायदा देखिए, डायरेक्ट हम लोग शूटिंग रेंज के अंदर आ गए, कहाँ हम लोग बाहर थे यार, अभी हम लोग आ गए हैं शूटिंग रेंज के अंदर। तो यार बहुत बड़ा फ़र्क है यार, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एक ट्रिक यहाँ पर वर्क कर रही है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो ख़त्म होते होते, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक और ट्रिक मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको इस ट्रिक की थोड़ी सी बता देता हूँ कि अगर ये ट्रिक आप सही से यूज़ नहीं करते हो तो आप मर भी सकते हो यार ग्रेनेड की सहायता से, ग्रेनेड से मर सकते हो, तो यार आप लोग उसका भी ध्यान रखना। तो देखिए दूसरी ट्रिक इस घर पे भी वर्क करी है, जैसे मैं बैक जाऊंगा ना तो वैसे ही देखिए यहाँ पे भी मैं अंदर आ गया। तो इस तरह अगर कोई नेमी आपका उधर से वेट कर रहा है तो आप अंदर जाके अचानक से उसे किल कर सकते हो। तो यार आज के लिए मेरे पास इतनी ही 2 ट्रिक थी यार। तो आप लोग देखो वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, और वीडियो जरा सा भी अगर कहीं से भी पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। आपका लाइक करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरे भाई लोग, तो प्लीज़ लाइक किया करो यार, आप लोग का भाई हूँ यार, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट दिखाओ तो लाइक करो। और यार अब बस मिलता हूँ अब नए किसी ट्रिक के साथ नई वीडियो में। तो अब आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।